नमस्कार सभी को। एक कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, कंपनी के रेवेन्यू और अर्निंग्स ग्रोथ को एनालाइज करना है और कंपनी का लॉन्ग टर्म व्यू कैसा रहेगा उसके लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करना है। कई बार हम देखते हैं कंपनी अपना अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट में से कुछ स्टाफ कम कर देती है, एम्प्लॉयज़ को कम करती है और कई प्लांट्स भी शट डाउन कर देती है, लेकिन ये क्वालिटी अर्निंग्स ग्रोथ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इससे ये भी होता है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उनका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, तो ये भी एक पहलू हो सकता है। मैनेजमेंट अगर जब अपना स्टाफ कम करती है तो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी वो बढ़ाती है। अब हम डिटरमाइन कैसे करें कि एक कंपनी वैल्यू स्टॉक है या कंपनी का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और भी हो सकता है और बढ़ा है इससे यहाँ से, तो उसका एक सिंपल तरीका है, डेली फ्लक्चुएशंस कितना हो रहा है उसके प्राइस रेट्स में, स्टॉक मार्केट में, वो हमें देखना है। जब मार्केट डिक्लाइन होता है तो वो पर्टिकुलर स्टॉक कितना नीचे आ रहा है, साथ में जब मार्केट एडवांस होता है तो ऊपर के लेवल पे वो सस्टेन हो रहा है या फिर इमीडिएटली नीचे आ रहा है। ये कुछ तरीके हैं टेक्निकली जहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक वैल्यू इन्वेस्टिंग है या नहीं है। रिमेंबर, डोंट डिले, इन्वेस्ट टुडे।